बॉलीवुड एक्टर फिल्मों के अलावा कई बार रियल लाइफ में भी एक्शन करने को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। जब इन स्टार्स की मारपीट या धक्का मुक्की के किस्से सामने आए तो इन पर काफी चर्चा हुई। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि सेलेब्स को अपने किए पर माफी भी मांगनी पड़ी। इसी बीच बॉलीवुड के दबंग खान के गुस्से से कौन वाकिफ नहीं है, सब उनके गुस्से के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान ने बहुत से एक्टर्स को थप्पड़ भी मारा है? चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर वन, अनुराग कश्यप। ये बात तब की है जब सलमान खान की तेरे नाम फिल्म की बनाने की बात चल रही थी। उसका निर्देशन करने वाले थे अनुराग कश्यप। उन्होंने सलमान खान को अपनी छाती के बाल कटवाने के लिए कहा। इस बात पर सलमान खान को गुस्सा आ गया। उन्होंने अनुराग को थप्पड़ मार दिया और प्रोड्यूसर से कहकर उनको फिल्म से निकलवा दिया। और बाद में इस फिल्म को सतीश कुशिक ने निर्देशित किया और फिल्म उस समय की सुपरहिट साबित हुई। नंबर टू, सुभाष घई। ये बात तब की है जब 1997 में सुभाष घई की बात सलमान को पसंद नहीं आई और उन्होंने सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया और फिर उन्होंने उनसे माफी भी मांगी और सुभाष घई ने उन्हें माफ भी कर दिया। नंबर थ्री, शाहरुख खान। बॉलीवुड के किंग खान को यानी कि शाहरुख खान को सलमान खान ने थप्पड़ जड़ दिया था। 2006 में कटरीना कैफ के बर्थडे पार्टी में शाहरुख खान ने उनका मजाक उड़ाया था जो उन पर बहुत भारी पड़ गया और शाहरुख खान को उनका थप्पड़ खाना पड़ा। नंबर फोर, ऐश्वर्या राय। इनको कौन नहीं जानता। जब इनका सलमान खान से ब्रेकअप हुआ था तब इन्होंने आरोप लगाया था कि इनको सलमान खान घर में आकर थप्पड़ मारा करते थे। सेट पर भी आकर कई बार उनको थप्पड़ मारा है। सलमान खान के इस खतरनाक गुस्से के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। और ऐसे कई मजेदार तथ्य आपको यूं ही जानने को मिलेंगे इसी चैनल पर, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।